आप लोगों ने सुना होगा हाल ही में आपका जो पड़ोसी म्यांमार है, यहाँ एक तरह से सैन्य तख्ता पलट हो चुका है। यहाँ के जो निर्वाचित नेता थे जिनका नाम है आंग सान सू की, इन्हें हिरासत में ले लिया गया है सेना के द्वारा। और अब यहाँ की सत्ता पर एक तरह से कब्जा किसका हो गया है? सैन्य यानी कि सेना का हो चुका है। इससे पहले भी कई बार इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती रही हैं। फिर चाहे म्यांमार की बात कर लीजिए, पाकिस्तान में भी आप देखते रहते हैं इस तरह की घटनाओं। और याद रखिए, जब आपने देखा होगा कि आपके पड़ोसी के यहाँ इस तरह का तानाशाही रवैया चल रहा हो, तो आप लोगों के लिए भी जरूरी हो जाता है। आप लोगों से भी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझ रहे हैं आप लोग? और आपने याद होगा कि जब हम लोग विश्व का भूगोल पढ़ रहे थे, उसमें विश्व का भूगोल का मैप्स मानचित्र का सहारा लेकर पूरा वर्ल्ड पढ़ाया जा रहा था, सभी देशों के बारे में बताया जा रहा था। तब भी आप लोगों में से कई लोगों ने कहा था कि सभी देशों के बारे में याद रख पाना मुश्किल है। तो याद रखिए, यही होती है स्मार्टगिरी, कि जिस साल में कोई देश चर्चा में है उसके बारे में याद रखा करिएगा, उसी से आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लेता है। जैसे अभी आपने देखा म्यांमार, या फिर आपने देखा इससे पहले अमेरिका में चुनाव हुए, तो अमेरिका से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है? और करेंट अफेयर्स का कहने का मतलब ही यही होता है, करेंट आपका यही होता है, यही जो घटनाएं घटती रहती हैं यही करेंट होता है, ठीक है? तो एक बार आप लोग देखिए हमारा प्यारा गोला, जिसे हमारी पृथ्वी कहते हैं, आप देख रहे होंगे। इसमें एशिया में हम देखेंगे कि ये हमारा प्यारा भारत। भारत में आप देखेंगे, आपके पड़ोसियों की बात करें तो नीचे आपको श्रीलंका देखने को मिलेगा, ठीक है? ये बांग्लादेश है, भूटान, नेपाल, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है? ये है म्यांमार, ठीक है? ये है म्यांमार। ये भी क्वेश्चंस कई बार बन चुका है, इस तरह के क्वेश्चंस बनते रहेंगे। और कि म्यांमार से कितने राज्यों की सीमा हमारे लगती है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे ही आप लोग इसमें देखिए, इसमें क्लियर दिख रहा है। देखिए, अरुणाचल प्रदेश की सीमा आपकी म्यांमार से लग रही है, और नागालैंड की सीमा भी आपकी म्यांमार से लग रही है, मणिपुर की सीमा भी आपकी म्यांमार से लग रही है, मिजोरम की सीमा भी आपकी म्यांमार से लग रही है, ठीक है? तो चार राज्यों की सीमा हमारी म्यांमार से लगती है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। एक बार या और एक बात और हमेशा याद रखनी है आपको, जितने भी आपके राज्य हैं, जिस क्रम में है, जिन राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, जैसे पाकिस्तान से हो, फिर चाहे अफगानिस्तान से हो, या चाइना से, नेपाल से, भूटान से, बांग्लादेश से, ठीक है? इन सब के बारे में भी याद रखिए, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। क्या भूटान की सीमा सिक्किम से लगती है? तो आप देखेंगे, देखिए लग रही है, ठीक है? क्या चाइना से लगती है? ठीक है, तो देखिए लग रही है। आप समझ रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेता है। और म्यांमार के बारे में अगर बात करें हम लोग, जैसे आप लोग जानते हैं, बर्मा के नाम से भी जानते हैं आप लोग। और याद रखिए, इसकी राजधानी अगर आपसे पूछता है कि इसकी राजधानी क्या है, तो या तो मिलेगा आपको नायपीडा या फिर नेपी नेपीदा, इसकी राजधानी है। दो नाम मिलेंगे इसके, मतलब एक ही नाम है, एक तरह से दो तरह से लिख दिया जाता है इसे, ठीक है? और याद रखिए, इसे 4 जनवरी 1948 को स्वतंत्रता मिली हुई थी, ये ब्रिटेन के कब्जे में था पहले, ठीक है? ब्रिटेन का उपनिवेश था, तो ब्रिटेन से आजादी मिली थी 4 जनवरी 1948 को। और यहाँ की भाषा की बात करें तो बर्मी है, और अगर आप बात करें मुद्रा की तो क्वाटे यहाँ की मुद्रा है। और इससे लगे अगर देशों के बारे में भी आपसे अगर क्वेश्चंस पूछे, तो देखिए बांग्लादेश से भी इसकी सीमा लगती है, इसकी सीमा चाइना से भी लगती है ऊपर, ठीक है? और इसकी सीमा आपको भारत से तो लग ही रही है, लाओस से भी इसकी सीमा लगती है, देखिए लग रही है लाओस से सीमा, और थाईलैंड से भी इसकी सीमा लगती है, ठीक है? याद रखनी है आपको। देखिए इसकी है नायपीडा, पेडा इसकी राजधानी, ठीक है? याद रखिए। चलिए अब इसके बारे में और भी विस्तार से बात कर लेते हैं हम लोग। हाल ही में म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद सेना ने सत्ता हासिल कर ली है। और याद रहे कि वर्ष 1948 में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से यह म्यांमार में तीसरा तख्तापलट है। इससे पहले भी दो बार इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। एक हमारे देश में एक अच्छी बात है, आप समझिए, कि आपने देखा होगा कि कोई भी पार्टी हारती है चुनाव, वो आराम से गद्दी छोड़ देती है। और आपने देखा होगा कि भली वो लोग ईवीएम पर या बैलेट पेपर पर, या एक तरह से आप कहिए कि इस तरह की वोटर मशीनों को गाली देते रहते हैं कि गड़बड़ी हुई है, लेकिन आराम से सत्ता छोड़ देते हैं। अमेरिका में आपने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कितना कितना एक तरह से क्या क्या नहीं किया सत्ता में बने रहने के लिए। एक तरह से आप कहिए जबरदस्ती उन्हें सत्ता से हटाया गया है, वो अपनी गद्दी छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे। लेकिन आपने देखा होगा भारत में, और याद रखिए आप समझिए कि हमारे जो भी संविधान निर्माता थे उनकी दूरदर्शी दृष्टि सोच रही होगी, इसलिए आपने देखा है कि एक चुनाव भी रखा है कि
कि जो निष्पक्ष तरह से चुनाव करवाएगा, वो चुनाव आयोग की बात हर पार्टी को माननी होगी। आप जानते हैं ना कि चुनाव आयोग, आपका चुनाव आयोग आर्टिकल 324 आपका चुनाव आयोग से संबंधित है, ठीक है, और 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी, समझ रहे हैं आप लोग, उसी की बात कर रहा हूं। तो इस तरह की व्यवस्था देखी जाती है, ठीक है, हमारे देश में ये अच्छी व्यवस्था है कि आराम से कोई ज्यादा नहीं होता है। एक बात और है, आप समझिए म्यांमार में सेना भी चुनाव लड़ती है, सेना में से भी आप समझिए कि वहां चुनाव एक तरह से मनोनीत किए जाते हैं कुछ सदस्य राजनीति में। आपने देखा है कि हमारे यहाँ दो शक्ति ना हो जाए, इसलिए आपने देखा है कि राष्ट्रपति का चुनाव इनडायरेक्ट तरीके से होता है, जिसमें आपकी विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा के सदस्य, निर्वाचित सदस्य चुनाव करते हैं राष्ट्रपति का। इसीलिए इस व्यवस्था रखी गई है कि आप मानिए कि जनता के द्वारा डायरेक्ट अगर राष्ट्रपति भी चुना जाता तो राष्ट्रपति अपनी एक तरफ भागता, राष्ट्रपति अपनी शक्ति दिखाता और प्रधानमंत्री अपनी शक्ति दिखाते और दोनों में मतभेद रहता। आप समझ सकते हैं कि राजनीति कितनी उल्टी पर उलट पुलट रहती। इसलिए हमारे यहाँ आपने देखा है कि किस तरह से एक व्यवस्था की गई है, ठीक है। म्यांमार में एक वर्ष की अवधि के लिए आपातकाल लागू कर दिया गया और लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित नेता आंग सान सू की को हिरासत में ले लिया गया है। किसके द्वारा? एलियन सेना के द्वारा। प्रयाग तख्तापलट का अर्थ हिंसक और अवैध रूप से लोकतांत्रिक रूप में से चुनी गई सरकार की शक्तियों को हथियाने से है, ठीक है। तो इसके बारे में भी याद रखिए आप लोग। म्यांमार की अवस्थिति की बात करें तो आप जानते हैं कि आप लोग बर्मा के नाम से भी इसे जानते हैं, ठीक है। दक्षिण पूर्व एशिया में अवस्थित एक देश है जो कि थाईलैंड, लाओस, बांग्लादेश, चीन और भारत आदि देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। आप लोगों को इसकी सीमाओं को दिखा भी चुका हूँ, अवस्थिति को भी दिखा चुका हूँ। जनसांख्यिकी की बात करें तो म्यांमार की आबादी लगभग 54 मिलियन है, जिनमें से अधिकांश बर्मी भाषी हैं। हालांकि यहाँ कई अन्य भाषाएं बोलने वाले भी लोग रहते हैं, जिस तरह से हमारे यहाँ भी तो देखते हैं आप लोग की हजारों भाषाएं बोलने वाले रहते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ विभिन्न जाति समूह में बटे हुए हम लोग, फिर भी हम लोग एक हैं। एक क्यों है? आप जानते हैं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने इस तरह से संविधान को गढ़ा कि हमें हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा ना हो, लेकिन आपने देखा होगा हमें अपने संविधान पर भरोसा होता है, हमें अपने चुनाव आयोग पर भरोसा होता है, हमें अपने सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा होता है, इसलिए हमारी एकता बनी हुई है। धर्म की बात करें तो यहाँ का मुख्य धर्म बौद्ध धर्म है। इसके अलावा देश में कई जातीय समूह भी हैं, जिनमें रोहिंग्या मुसलमान भी शामिल हैं। आपने देखा होगा रोहिंग्या का मुद्दा भी कुछ समय पहले चर्चा में रहा था, ठीक है। और आप समझ सकते हैं कि बुद्ध धर्म है यहाँ, फिर भी आप देखिए कितनी अशांति फैली हुई है, समझ रहे हैं आप लोग। राज्य व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो म्यांमार को वर्ष 1948 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। इसे वर्ष 1962 से वर्ष 2011 तक सशस्त्र बलों द्वारा शासित किया जा रहा था, तो एक कोई नई बात नहीं, इससे पहले भी आप देखेंगे कि यहाँ सेना का शासन रहा है। वर्ष 2011 में नई सरकार के साथ नागरिक शासन की वापसी की शुरुआत हुई और 2010 के दशक में सैन्य शासन ने देश को लोकतंत्र की ओर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। हालांकि नई व्यवस्था के तहत सशस्त्र बल के अधिकारी सत्ता में बने रहे, लेकिन राजनीतिक विरोधियों को मुक्त कर दिया गया और चुनाव आयोजित करने की अनुमति भी दी गई। आप समझिए अब लोकतंत्र का एक तरह से माहौल यहाँ चलने ही वाला था, लेकिन आपने देखा है फिर से सैन्य तख्तापलट हो गया है, समझ रहे हैं आप लोग। वर्ष 2015 में चुनाव में आंग सान सू की दल के राजनीतिक नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी NLD को जीत हासिल हुई थी। यह देश के पहला स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव था जिसमें कई दलों ने हिस्सा भी लिया था, और इन चुनाव के बाद यह उम्मीद जगी थी कि म्यांमार लोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, शुरू हो रहा है। लेकिन आप जानते हैं हमारे देश की बात कर लीजिए आप लोग, कि आपने देखा होगा कि हमारे 1947 में जब आजादी मिली तो कई आपके उस समय के नेता ये कह रहे थे कि एक ही पार्टी रहनी चाहिए, एकल पार्टी की व्यवस्था रहनी चाहिए, कांग्रेस को अकेला रहनी चाहिए। लेकिन आप जानिए कि उस समय के भीमराव अम्बेडकर साहब हों, फिर चाहे आप समझिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हों या आपके नेहरू साहब हों, उन्होंने कहा कि बहुदलीय व्यवस्था होनी चाहिए हमारे देश में। ये मान लीजिए कल कांग्रेस को पसंद ना कर रहे हो लोग तो बीजेपी को वोट तो दे सकें कम से कम, वरना आप समझिए एक ही पार्टी होती तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। आप चुनाव में वोट डालने जाइए या ना डालने जाइए, उनकी जीत पक्की होती, समझ रहे हैं आप लोग। तो ये भी देखने को मिला है हमारे यहाँ, बड़ी अच्छी व्यवस्था आप लोग देखते हैं, जो काम नहीं करेगा उसे हटा देंगे, वो आपने समय समय पर देखा भी है।
इसलिए तो कहता हूं जनता बहुत मजबूत है। ये है म्यांमार, आपने देख ही लिया है ठीक है स्थिति। फिर सैन्य तख्तापलट के बारे में अगर बात करें तो नवंबर 2020 में हुई संसदीय चुनाव में आंग सान सू की के राजनीतिक नेशनल, तो इसमें क्या हुआ कि इन्हें अधिकांश सीटें हासिल हुई। और वर्ष 2008 में सेना द्वारा तैयार किए गए संविधान के मुताबिक म्यांमार की संसद में सेना के पास कुल सीटों का 25% हिस्सा है और कई प्रमुख मंत्री पद भी सैन्य नियुक्तियों के लिए आरक्षित भी है। आप समझ सकते हैं कि जब समझिए आप लोग कि वहां की राजनीति में सक्रिय भागीदारी कर रही है सेना, तो एक दिन उठा पटक की एक तरह से आप समझ सकते हैं कि हर कोई शक्ति के लिए चाहेगा कि हमारे पास इतनी शक्ति हो हमारे पास, और दोनों में मतभेद होगा और टकराव होगा, तो आप समझिए कि एक ऊपर उठने की बात करेगा, वही आपको देखने को भी मिल रहा है। वर्ष 2021 यानी कि 2021 की शुरुआत में जब नवनिर्वाचित संसद का पहला सत्र आयोजित किया जाना था, तभी सेना द्वारा संसदीय चुनाव में भारी धोखाधड़ी का हवाला देते हुए एक वर्ष की अवधि के लिए आपातकाल लागू कर दिया गया है। आप हमने देश में देखते हैं ना कि इंदिरा गांधी के समय में आपने देखा है कि एक तरह से तानाशाही रवैया दिखाया गया, 1975 से 1977 तक राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया ठीक है। इस घटना पर वैश्विक प्रतिक्रिया क्या हुई है? जब आप देखते हैं इस तरह की कोई घटना किसी देश में होती है तो विश्व भर से प्रतिक्रियाएं आने लगती हैं। तो चीन ने क्या कहा है? चीन ने इस मामले पर स्पष्ट किया है कि म्यांमार में सभी पक्ष राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता बनाए रखने के लिए संविधान और कानूनी ढांचे के तहत अपने मतभेदों को जल्द ही समाप्त कर लेंगे। ये किसने कहा है? चीन ने। अमेरिका ने क्या कहा है? अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने देश के सैन्य प्रतिनिधियों द्वारा तख्तापलट किए जाने के बाद म्यांमार पर प्रतिबंधों को फिर से लागू करने की धमकी दी है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से इस मामले पर एकजुटता की मांग की है। एक बात और आपको बताऊं, आप समझिए कि ये प्रतिबंध लगाए जाते हैं, इसका कोई ज्यादा असर नहीं पड़ता है आज की इस दुनिया में, समझ रहे हैं आप लोग? कि आपने देखा है ईरान को अलग धड़क करने की कोशिश की है अमेरिका ने, लेकिन कहां ज्यादा असर देखने को मिला नहीं उसमें, क्योंकि चाइना वहां हाथ जमा देता है। इसी तरह आप देखेंगे कि भली अमेरिका एक तरह से अलग धड़क कर दे उसे, लेकिन चाइना तो उससे व्यापार करता रहेगा, समझ रहे हैं आप लोग? और एक तरह से आप समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया में सबसे ज्यादा तानाशाही है फिर भी उनसे बात की है, समझ रहे हैं? तो इस तरह की बातें होती रहेंगी। आसियान देशों ने क्या कहा है? आसियान की अध्यक्षता कर रहे ब्रुनेई ने म्यांमार में सभी पक्षों के बीच संवाद और सामंजस्य का आह्वान किया है और उनसे पुनः सामान्य स्थिति बहाल करने का आग्रह भी किया है। भारत की प्रतिक्रिया क्या रही है? हमारी जरूरी भी है। भारत भी म्यांमार में लोकतांत्रिक परिवर्तन की प्रक्रिया का समर्थन भी करता है। यद्यपि भारत ने म्यांमार के हालिया घटनाक्रम पर गहरी चिंता व्यक्त की है और किंतु म्यांमार की सेना ने अपने संबंध खराब करना एक व्यवहार विकल्प नहीं होगा, क्योंकि म्यांमार के साथ भारत के कई महत्वपूर्ण आर्थिक और सामरिक हित भी जुड़े हुए हैं। और ऐसा नहीं कि हम समझिए हमारी सेना से भी काफी अच्छी पटली खाती हुआ, समझ रहे हैं आप लोग? और हमारे देश से सीमा भी लगी हुई है, तो हम नहीं चाहेंगे कि उठा पटक हुआ। इसमें अगर हम म्यांमार में भारत के सामरिक हित की बात करें तो म्यांमार की सेना के साथ भारत के संबंध की बात करें तो म्यांमार के साथ भारत के सैन्य राजनयिक संबंध भारत की एक्ट एक ईस्ट पॉलिसी का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। वर्ष 2020 में म्यांमार में सेना अध्यक्ष और विदेश सचिव के हालिया दौरे की पूर्व संध्या पर म्यांमार ने सीमा पार से आने वाले 22 भारतीय विद्रोहियों को वापस भारत को सौंपा था। साथ ही भारत की ओर से म्यांमार को सैन्य हार्डवेयर जिसमें आप देखेंगे 105 mm लाइट आर्टिलरी गन, 9 सैनिक गन बोट और हल्के टॉरपीडो आदि की बिक्री बढ़ाने का भी निर्णय लिया था। दोनों देशों के बीच सहयोग का हालिया उदाहरण देखें तो म्यांमार द्वारा अपने टीकाकरण अभियान में भारत ने भेजे गए कोरोना वायरस के टीके की 1.5 मिलियन खुराक का प्रयोग किया जा रहा है, जबकि वहां की चीन की आप देखेंगे 3 लाख खुराक पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है चाइना की, ठीक है। म्यांमार में भारत के हित की बात करें हम लोग तो अवसंरचना और कनेक्टिविटी, भारत ने म्यांमार के साथ कई अवसंरचना और विकास संबंधी परियोजनाओं की शुरुआत भी की है, क्योंकि भारत म्यांमार को पूर्वी एशिया और आसियान देशों में प्रवेश के द्वार के रूप में देखता है। म्यांमार के राखीन प्रांत में वर्ष 2021 तक महत्वपूर्ण सितवे बंदरगाह का परिचालन शुरू होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। भारत द्वारा त्रिपक्षीय राजमार्ग भारत म्यांमार थाईलैंड और कालादान मल्टी
मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जैसे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में सहायता की जा रही है। कालादान परियोजना आप देखेंगे, कोलकाता को म्यांमार के सिदबे और फिर म्यांमार की कालादान नदी से भारत के उत्तर पूर्वी को जोड़ेगी है। दोनों देशों ने वर्ष 2018 में भूमि सीमा पर पार समझौते पर हस्ताक्षर भी किए थे, जिसके माध्यम से भारत म्यांमार सीमा पर प्रवेश निकास के दो अंतर्राष्ट्रीय बिंदुओं पर सीमा पार करने के लिए वैध दस्तावेजों वाले यात्रियों को यात्रा की अनुमति दी गई है। और एक इसलिए भी जरूरी हो जाते हैं, आप समझिए, हमारे पड़ोसी हैं, हमारा आराम से यहाँ व्यापार आ जा सकते हैं, आप समझ रहे हैं आप? ठीक है, देखिए आप लोग, ये कोलकाता से यहां तक, ठीक है। सुरक्षा की बात करें तो भारत म्यांमार में शरण ले रहे यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट UNLF और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड जैसे उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ उग्रवादी समूहों को लेकर चिंतित भी है। भारत को उत्तर पूर्वी पूर्व सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए म्यांमार के समर्थन व उसके साथ समन्वय करने की आवश्यकता भी है। एक मुद्दा आपने सुना होगा, रोहिंग्या मुद्रा, तो भारत और बांग्लादेश के शरणार्थी शिविरों में मौजूद रोहिंग्या शरणार्थियों की सुरक्षित स्थायी और शीघ्र वापसी सुनिश्चित करने के लिए भारत ने अपनी प्रतिबद्धता भी जाहिर की है। रखाइन राज्य विकास कार्यक्रम के तहत की गई प्रगति के आधार पर भारत ने हाल ही में कार्यक्रम के चरण 3 के तहत परियोजनाओं को अंतिम रूप देने का प्रस्ताव भी किया है, जिसमें आप देखेंगे कौशल प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना और कृषि तकनीक का उन्नयन शामिल है। निवेश की बात करें तो 1.2 बिलियन डॉलर के निवेश संबंधी आंकड़ों को देखते हुए यह भी कहा जा सकता है कि म्यांमार दक्षिण एशिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में भारत के लिए काफी अधिक महत्व रखता है। देखिए हमारे पड़ोसी, हमारा, आप समझिए, हर पड़ोसी हमारा महत्व हमारे लिए रखता है, फिर चाहे नेपाल हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, भूटान हो, समझ रहे हैं, पाकिस्तान हो, चाइना हो। ये अलग बात है कि पाकिस्तान और चाइना से हमारी इस समय नहीं बन रही है। ऊर्जा की बात करें तो दोनों देश ऊर्जा सहयोग के क्षेत्र में भी साझेदारी का विस्तार कर रहे हैं। हाल ही में भारत ने म्यांमार की स्वे तेल और गैस परियोजनाओं में 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के निवेश को मंजूरी भी दी है। आगे की राय क्या हो सकती है, तो आप समझिए, भारत को दोनों देशों, भारत और म्यांमार के लोगों के पारस्परिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए म्यांमार की वर्तमान सत्ता के साथ अपने संबंधों को बनाए रखना चाहिए। साथ ही यह भी आवश्यक है कि भारत म्यांमार के मौजूदा पिछले गतिरोध को समाप्त करने में सहायता करने के लिए संवैधानिकता और संघवाद से संबंधित अपने अनुभव साझा करें, जिससे इस समस्या को जल्द से जल्द हल किया जाए सके। ठीक है, तो यही कहानी है आपके म्यांमार और भारत की, यही आपको पॉइंट याद रखना चाहिए, ठीक है, कि क्या है, सामान्य जानकारी एक होनी चाहिए। कभी भी क्वेश्चंस आते हैं तो आप आराम से सॉल्व कर लेंगे, और क्वेश्चंस नहीं भी आते हैं तब भी आपको मालूम होना चाहिए कि आपके पड़ोसी में क्या चल रहा है, पड़ोसियों क्या, ठीक है।